श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित ददीची का उनके लिए शाप और श्रुप पर अनुग्रह। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भक्त वत्सल भगवान विष्णु राजा श्रुप का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर ददीची के आश्रम पर गए। वहां उन जगत गुरु श्री हरि ने शिव भक्त शिरोमणि महर्षि ददीची को प्रणाम करके श्रुव के कार्य की सिद्धि के लिए उद्धत हो उनसे यह बात कही। श्री विष्णु बोले, भगवान शिव के आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी ब्रह्मर्षि ददीची, मैं तुमसे एक वर मांगता हूं, उसे तुम मुझे दे दो। श्रुव के कार्य की सिद्धि चाहने वाले देवादि देव श्री हरि के इस प्रकार याचना करने पर शैव शिरोमणि ददीची ने शीघ्र ही भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा। ददीची बोले, ब्राह्मण, आप क्या चाहते हैं यह मुझे ज्ञात हो गया। आप श्रुव का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि ही ब्राह्मण का रूप धारण करके यहां आए हैं। इसमें संदेह नहीं है कि आप पूरे मायावी हैं, किंतु देवेश जनार्दन मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान सदा ही बना रहता है। सुव्रत, मैं आपको जानता हूं, आप पापहारी श्री हरि एवं विष्णु हैं। आप ब्राह्मण का वेश छोड़िए, दुष्ट बुद्धि वाले राजा श्रुव ने आपकी आराधना की है, इसीलिए आप पधारे हैं। भगवान हरे, आपकी भक्त वत्सलता को भी मैं जानता हूं, यह छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाइए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूं, ऐसी दशा में भी यदि मुझसे किसी को भय हो तो आप मुझे यत्न पूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। मेरा मन शिव के स्मरण में ही लगा रहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी मुझे भय नहीं होता। श्री विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले ददीची, तुम्हारा भय सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि तुम शिव की आराधना में तत्पर रहते हो, इसलिए सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा श्रुव से जाकर यह कह दो कि राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूं। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर भी शैव शिरोमणि महामुनि ददीची निर्भय ही रहे और हंसकर बोले, ददीची ने कहा, मैं देवादि देव पिनाकपानी भगवान शंभु के प्रसाद से कहीं कभी किसी से और किंचित मात्र भी नहीं डरता, सदा ही निर्भय रहता हूं। इस पर श्री हरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की, देवताओं ने भी उनका साथ दिया, किंतु सबके सभी अस्त्र कुंठित हो गए। तदंतर भगवान श्री विष्णु ने अगणित बाणों की सृष्टि की, परंतु महर्षि ने उसे भी भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। यह सब देखकर च्यवन कुमार ने वहां जगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा। ददीची बोले, महाबाहो, माया को त्याग दीजिए, विचार करने से यह प्रतिभास मात्र प्रतीत होता है। माधव, मैंने सहस्त्र दुवर्ज्य वस्तुओं को जान लिया है, आप मुझ में अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए, निरालस्य होकर मुझ में ब्रह्मा एवं रुद्र का भी दर्शन कीजिए, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले च्यवन कुमार ददीची मुनि ने अपनी देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तब भगवान विष्णु ने उन पर पुनः कोप करना चाहा। इतने में ही मेरे साथ राजा श्रुव वहां आ पहुंचे। मैंने निश्चेष्ट खड़े हुए भगवान पद्मनाथ को तथा देवताओं को क्रोध करने से रोका। मेरी बात सुनकर इन लोगों ने ब्राह्मण ददीची को परास्पर नहीं किया। श्री हरि उनके पास गए और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। तदंतर ध्रुव अत्यंत दीन हो उन मुनीश्वर ददीची के निकट गए और उन्हें
प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। श्रुप बोले, मुनि श्रेष्ठ शिव भक्त शिरोमणि, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, आप दुर्जनों की दृष्टि से दूर रहने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, राजा श्रुव की यह बात सुनकर तपस्या की निधि ब्राह्मण ददीची ने उन पर अनुग्रह किया। तदपश्चात श्री विष्णु आदि को देखकर वे मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को शाप देने लगे। ददीची ने कहा, देवराज इंद्र सहित देवताओं और मुनीश्वरों, तुम लोग रुद्र की क्रोधाग्नि से श्री विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित और ध्वस्त हो जाओ। देवताओं को इस तरह श्राप दे श्रुव की ओर देखकर देवताओं और राजाओं के पूजनीय द्विज श्रेष्ठ ददीची ने कहा, राजेंद्र, ब्राह्मण ही बलि और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण ददीची अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। फिर ददीची को नमस्कार मात्र करके श्रुव अपने घर चले गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए थे उसी तरह अपने वैकुंठ लोक को लौट गए। इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तात, मैंने तुम्हें संक्षेप में श्रुव और ददीची के विवाद की कथा सुनाई और भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णु को ही जो शाप प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन किया, जो श्रुव और ददीची के विवाद संबंधी इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह अपमृत्यु को जीतकर देह त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक में जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करता है उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता तथा वह निश्चित ही विजयी होता है। बोलो ओम नमः शिवाय।